ऋग्वेद को याद दिलाता हूँ, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत्य, एक ही सच है, बीजेपी को हराना है। विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको प्रकट कर। सर एक सर का क्वेश्चन है, अभी इसी सवाल को लेकर घुमा फिरा कर। फॉलोइंग दैट रूट जहाँ पे राहुल जी का बस गया है, चोपड़ा, इस्लामपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, चीफ मिनिस्टर, हाँ मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनको प्रशासनिक समीक्षा करने की जरूरत है, कार्यक्रम कैसे चल रहा है, एनडीए सरकार से उनको पैसा नहीं आ रहा है, महात्मा गांधी नरेगा कैसे चल रहा है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम कैसे लागू हो रहे हैं, उनका पूरा हक बनता है। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, लोग अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, पर ममता जी का मकसद और कांग्रेस का मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना है। पहले ममता जी ने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटर इन फुल ही सेड देयर मे बी सम मिस्क्रिएंट्स हु विल ट्राई टू टार्निश योर गवर्नमेंट। राहुल जी के रहने के लिए सर, अरे यार सुनो, पहले राहुल जी ने कहा है हमारे पांच न्याय हैं, पांच न्याय के आधार पर ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय। और श्रमिक न्याय में पहला बिंदु हमारी प्राथमिकता ये होगी कि गिग अर्थव्यवस्था में करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाएगा, और उस कानून के तहत जो प्रावधान हमें करने हैं सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो जरूर हम करेंगे। हो गया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में ईमानदारी से संघर्ष करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए, और जो मजदूर हैं, चाहे वो गिग वर्कर हों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, संगठित क्षेत्र के मजदूर हों, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार आई है गिग वर्कर पे हमने जो है कानून बनाया है। और एक बात और उसमें ऐड कर दूं, अभी एक साल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गिग वर्करों का प्रतिनिधि मंडल राहुल जी से आकर के मिला, और फिर हमारी राजस्थान की सरकार ने इस पर कानून पास किया। मैं बता दूं आपको।